जी बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिला आपसे। लाहौर में मुलाकात हुई, आपने मोटिवेट किया, फिर कुछ सेमिनार अटेंड किए तो उससे मोटिवेशन मिली। ओके असल में मेरा बेटा यंग है, उस शौक था उसे। ओके उसने पिक किया। ओके जो पैसे कोई ना भी बचे आपको बाइक में बच जाएंगे, आप मतलब सैंपल पे कंज्यूस ही ना करें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 4-5 क्लाइंट भी बन गए। माशाल्लाह 4-5 क्लाइंट बन गए, वेरी गुड। 2-3 मिलियन का काम भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह। वो दोबारा आपको ऑर्डर भी दे रहे हैं। हमारी कोशिश आपके साथ थी आपको गाइड करना, किया आप लोगों ने, सच्ची बात। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ शहबाज सिद्दीकी, एक नई Alibaba.com की सक्सेस स्टोरी। स्टोरी तो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी, लेकिन ये स्टोरी बड़ी मुख्तलिफ है। अक्सर ये देखा गया है कि बंदा जिस जगह पर रहता है बिजनेस वहीं करता है और वहाँ से अपना स्टार्टअप लेता है। ये स्टार्टअप टोटली डिफरेंट है। हमारे जो कस्टमर हैं शेख साहब, ये रहते हैं लाहौर में और लाहौर में हमारे ऑफिस में आए कि यार मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ ऑनलाइन। हमारे पास आए, हमने इनको गाइड किया कि यार आप ई कॉमर्स का बिज़नेस ऑनलाइन कर सकते हैं Alibaba के थ्रू। इन्होंने ज्वाइन किया और आज ये देखें कि ये लाहौर को छोड़ के सियालकोट में शिफ्ट हो गए। किसके लिए? तजारत के लिए, बिज़नेस के लिए। और ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, तजारत बिज़नेस कारोबार के लिए सफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना। अल्लाह ताला ने इसमें बरकत रखी हुई है जी। ये इनसे ही इनकी ज़बानी सुनते हैं जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है भाई जी। बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिला आपसे। लाहौर में मुलाकात हुई। जी 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 बिल्कुल। ऐसे क्या आपने मोटिवेट किया, फिर कुछ सेमिनार अटेंड किए? ओके उधर लाहौर ऑफिस में, ठीक है, अच्छे में, तो उससे मोटिवेशन मिली कि काम करना चाहिए। हाँ काम करना चाहिए। तो आपका बिजनेस क्या है एक्चुअली? पहले क्या करते थे आप? पहले मेरा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस था। ओके काफी आफ्टर 25 ईयर। ओके ऑटो पार्ट, तो वो कहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं? हाँ चाइना से इंपोर्ट। चाइना में कुछ 4-5 दफा गया हूँ फिजिकली। अच्छा चाइना से? हाँ जी हाँ जी। और बल्क क्वांटिटी में होलसेल में? हाँ जी होलसेल बल्क। और फिर वो प्रोडक्ट वो आके लाहौर में मुख्तलिफ लोगों को सेल कर देते हैं? सेल करते थे। फिर बच्चे यंग हो गए, बच्चों की फील्ड को साथ सच में कर रहा था, बच्चों को लाइन मिले अच्छी, कोई नया बिजनेस मिले। फिर ओके। वो आपका जो मैंने कुछ नेट पे सर्चिंग की, ओके वेब एक्सेल का देखा, फिर मैं जाके ज्वाइनिंग की, सेमिनार में आए। ओके मोटिवेशन मिली कि यार ये काम ठीक है, ये काम ठीक है। ओके ओके आपने जब हमारे पास आए, हमारे से मिले, तो आपने उस ट्रेनिंग के अंदर ज्वाइन किया, तो आपने क्या देखा कि Alibaba.com ये प्लेटफॉर्म कैसा प्लेटफॉर्म है जो ये लोग बता रहे हैं, ये कैसा प्लेटफॉर्म है? अंडरस्टैंड, जाहिर है हमने ज्वाइन भी किया इसी वजह से, इस पे सारा हमने सर्च भी किया मैंने काफी। अच्छा वेरी गुड। यूट्यूब पे जैसे सक्सेस स्टोरीज मुख्तलिफ देखी, उससे भी मोटिवेशन मिली, फिर जाके आपसे भी फिजिकली मुलाकात हुई सारी। तो Alibaba की कोई वेब एक्सेल के पास गए, उन्होंने ट्रेनिंग कोई मैनेजमेंट की आपके साथ? आपको गाइड सारा कोऑपरेट किया लाहौर ऑफिस में उन्होंने। अच्छा ठीक है। सारा हम जाते रहे, उसे उन्होंने ब्रीफ किया सारा। ओके तो मुझे मेरा एक सवाल है कि ऑफ कोर्स आपने इस पे जो मैंने देखा कि आप 1 साल से ज्यादा, अब आपका दूसरा साल शुरू हो गया, तो यानी इसका मतलब आपने 1 साल में इतने पैसे कमा लिए हैं कि फीस पे कर ली है, और आई एम श्योर तो सर कितने को कस्टमर हैं कोई आपको मिल गए, या कितने को आपको बिजनेस कितना को कर रहा? चलो जस्ट एन आइडिया, इट्स पर्सनल, मैं समझता हूँ लोग बताने में हिचकिचाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सच्चाई को बचाना चाहिए ताकि जेन्युइन क्या आपको कितना को बिजनेस किया 1 साल के अंदर आपने? फर्स्ट ईयर था, पहले तो लर्निंग ही थी। लर्निंग थी बिल्कुल ऐसे ही। फिर एंड वाले कुछ 6 माह बाद जाके कोई आपको समझ आ गई, बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइस ऐसा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 4-5 क्लाइंट भी बन गए। माशाल्लाह 4-5 क्लाइंट बन गए, वेरी गुड। चला फिर 2-3 मिलियन का काम भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मिलियन का काम ही कर लिया। चलो जी, अगर इन्होंने मेरा ख्याल है प्लस वाला पैकेज लिया था, यानी $2000 इन्वेस्ट किया, और $2000 करके अगर 2-3 मिलियन, कहने का मतलब कि हमें, हमारे लिए ये 30 लाख का बिजनेस है, एक अच्छा बिजनेस है जी। 30 लाख रुपए का अगर आप बिजनेस कर गए, अल्लाह का करम हुआ, आपने मेहनत की, हमारी कोशिश आपके साथ थी आपको गाइड करना, किया आप लोगों ने, सच्ची बात। तो ये जो आपको, आप खुद इसको यूज करते हैं या आपका कोई बेटा या इस तरह से? मैं तो ऊपर सुपरविजन करता हूं। ओके असल में मेरा बेटा यंग है, उस शौक था उसे। ओके उसने पिक किया। ओके
तो वो ये ज्यादा 90% क्रेडिट मेरे बेटे को जाता है। वैसे 90% क्रेडिट आपके बेटे को जाता है, उसने सारा जो ना वो आपने सिर्फ उनको गाइड सपोर्ट किया सर, सुपरविजन की। ओके के कस्टमर से क्लाइंट से जो सारा डील नेगोशिएशन जो होती है, हर चीज प्रोडक्शन करवाना, कोटेशन करना, आरएफपी से काफी बिजनेस जो 90% आरएफक्यू से जनरेट, 90% बिजनेस आपको आरएफक्यू से मिला। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें आरएफक्यू से बिजनेस नहीं मिलता, ये कह रहे हैं 90% हमें बिजनेस ही आरएफक्यू से मिला, ये बड़ी अच्छी बात है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मुझे ये बताएं कि आप जो मैंने अभी बात जिक्र किया कि आप लाहौर में रहते हैं, लाहौर में आपका बिजनेस था इंपोर्ट का और ट्रेडिंग का, तो अब आप मैंने सुना है कि आप सियालकोट में शिफ्ट हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 4-5 months से हम जो ना सियालकोट मूव हो गए हैं। तो रिस्पांस था बेटे को फिर आना जाना पड़ता था। अच्छा, तो फिर हमने जो ना डिसीजन लिया कि हम सियालकोट जो ना शिफ्ट हो जाए, बच्चों को फिर इधर शिफ्ट कर लिया। सर आपने ये जो कारोबार किया, ऑफ कोर्स इसमें एक साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया और अब आपने नए साल अगले साल की उसकी फी पे कर ली, आपको कस्टमर 3-4 मिल गए, क्या वो कस्टमर जो मिले वो आपको दोबारा रिपीट ऑर्डर कर किया उनमें से किसी ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 कंटिन्यू हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, वो दोबारा आपको ऑर्डर भी दे रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा ये बिजनेस मॉडल भी ऐसा ही है, ये बिजनेस है होलसेल बिजनेस, और होलसेल बिजनेस में ऐसा होता है कि जब एक कस्टमर एक ऑर्डर देता है वो एक इंपोर्टर होता है या उसका वहाँ पे बिजनेस होता है या शॉप होती है, वो यहाँ से प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है और यहाँ से बनवाता है, पाकिस्तान से बनवा के वो वहाँ पे आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस तरह से अगर उसको हर महीने जरूरत पड़ती है, हर 3 महीने के अंदर जरूरत पड़ सकती है, इस तरह मतलब ये हो कि एक कस्टमर हमें मिल जाए तो इसका मतलब है अगर वो 3 महीने के बाद ऑर्डर करता तो हमें 4 ऑर्डर करेगा, और अगर वो हर महीने करता है तो 12 ऑर्डर करेगा। इस तरह से ये बिजनेस मॉडल जो है ये बी टू बी बिजनेस मॉडल है, इसमें हमारे पास जब नंबर बढ़ जाएंगे आई एम श्योर आपका बिजनेस और ग्रो कर जाएगा। आप इधर अभी तो वैसे ही इज्जत किया, फिर आप अपना यूनिट भी लगा लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर में अल्लाह ताला आपके लिए ऐसी तफीक पैदा करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे कि आप अपना जो है ना यूनिट बना सकें। सर बहुत सारे लोग हैं, अच्छा ये आप अकेले नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो सियालकोट में आए हैं बसे हैं और यहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस किया उन्होंने, सच्ची बात है, ये रियलिटी है। सियालकोट में अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है स्मॉल बिजनेसेस की, एक्सपोर्ट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जी आपकी बात ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि जो आरएफक्यू वगैरह है वो आप करते कि आपका बेटा करता था, या कैसे उसको कैसे? मेन मेरा बेटा ही करता है। ओके बेटा ही करता है, बाकी मैं ऊपर सुपरविजन मैसेजिंग में कस्टमर। अच्छा कस्टमर के साथ जो डिस्कशन है या ईमेल के रिस्पांस है वो आप खुद करते हैं? हाँ मैं भी करता हूँ, बेटा भी करता है, दोनों ही करते हैं। हाँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रोडक्ट वगैरह आप खुद लगाते हैं कि बेटा लगाता है? नहीं वो बेटा ही लगाता, बेटा लगाते हैं। ओके यानी शॉप की मेंटेनेंस वगैरह को वही देख रहा है, कस्टमर्स को भी ज्यादा वो देखता है, आप सिर्फ उसको फाइनेंशियली और उसको कह लें कि जो बिजनेस बिजनेस के जो टिप्स होते हैं वो आप करके टिप्स डीलिंग टिप्स हो गए, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चाइना से काफी इम्पोर्ट किया है। ओके तो वो ये सारा जो मेरे लिए नई चीज नहीं थी वो एक्सपीरियंस था। तो जो चाइना से इंपोर्ट की वो कैसे स्टार्ट की थी? चलो एक सवाल है मेरा, ये अलीबाबा से या वैसे ही? नहीं नहीं मैं सर फर्स्ट टाइम चाइना खुद गया था। अच्छा खुद जाकर ट्रैवल? मैंने फिर बीजिंग में मेन फेयर अटेंड किए। ओके गवर्नमेंट लेवल के हमारे वो थे सेमिनार। ओके ओके उधर फिर हमें इनवाइट करते थे चाइनीज। ओके इट मींस आपने अपनी ट्रैवलिंग से बिजनेस स्टार्ट किया, पहले खुद गए, देखिए आपके अच्छे खासे पैसे भी लगे होंगे, सारा कुछ हुआ होगा। अब ये बिजनेस ई कॉमर्स एक ऐसा जबरदस्त है कि थोड़े पैसों से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, आपने सिर्फ $2,000 लगाया और आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अगर हम यही ट्रैवल करें तो हमारी यहाँ से जाने की टिकट ही मेरा ख्याल है 4-4.5 लाख की है जी आज चाइना में। तो वेरी मैं समझता हूँ हार्ड हो गया कि नया बिजनेस स्टार्टअप करना, लेकिन ई कॉमर्स ने ये काम आसान कर दिया, सच्ची बात है ये आसान कर दिया। मैं चाहूँगा कि फिर इस सिलसिले में जो टेक्निकल बातें हैं जो बिजनेस की वो आपके बेटे से पूछे, फिर उनसे बात करें मेरा ख्याल है। तो आपने Alibaba.com के ऊपर आप अकाउंट को मैनेज करते हैं, टेक्निकली आप ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ऑफ कोर्स वो उनकी जॉब नहीं थी, ये जॉब आप किया। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपने Alibaba.com पे काम शुरू किया तो इसकी लर्निंग वगैरह कैसे की, कैसे सीखा, कुछ उसके बारे में पहले बताएं मुझे। हाँ जी शुरू में वो हम लाहौर में थे जब, तो उधर Alibaba वालों ने काफ़ी सपोर्ट दी। Okay. हम लोग डेली बेसिस पे जाते थे उनके पास, तो वो इन्फॉर्मेशन देते थे कोटेशन कैसे करनी है, प्रोडक्ट वगैरह कैसे लगानी है। Okay. तो सारा उन्होंने मतलब अकाउंट जो है ना रन करना हमें सिखाया सारा, फर्स्ट 2 month के सारा कुछ सीखते। Okay. फिर उसके बाद कोई भी मसला होता था तो आपके जो मैनेजर थे साहब
उनसे बात करते थे जी, उनके साथ वो जूम पे कॉल वीडियो कॉल करके स्क्रीन शेयर करके सारा कुछ जो भी मसला होता था वो हर रोज गाइड करते थे। ओके, इसका मतलब है कि आपको शुरू में उन्होंने सिखाया गाइड किया तो इससे आपको थोड़ी हेल्प मिल गई। आप मुझे ये बताएं प्रोडक्ट वगैरह पोस्ट आप खुद करते हैं और कितनी किस तरह से इसकी मैनेजमेंट करते हैं, कितना टाइम देते हैं इसको करने के लिए? इतना कोई खास टाइम नहीं लगता, मतलब अगर बंदा रोज की 10 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट भी लगा दे तो अकाउंट बूस्ट में रहता है, फिर इंक्वायरी वगैरह आ जाती है, आती रहती है। हाँ जी, इसका मतलब है कि 10 से 20 प्रोडक्ट वो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10 से 20 प्रोडक्ट अगर मैं लगा लूं तो मेरा अकाउंट जो है ना उसकी हेल्थ जबरदस्त होती है और मुझे इंक्वायरीज भी उससे आती रहती है। आपने इस तरह से प्रोडक्ट से इंक्वायरीज आती हैं, फिर आप उनको कोटेशन प्राइस देते हैं, आपकी बात फाइनलाइज हो जाती है, फिर उसके सैंपल वगैरह होता है, ऐसे ही होता है सैंपल, और फिर सैंपल बना के भेजते हैं, फिर क्या करते हैं उसको डील को कैसे क्लोज करते हैं कोई इस तरह कि आपके, और ज्यादा इंक्वायरी करने के लिए क्या करते हैं यार ये बताएं मुझे। ज्यादा इंक्वायरी करने के लिए मतलब जितनी बंदा प्रोडक्ट्स वगैरह ज्यादा लगाए अकाउंट ऊपर जाए, जरा रेशियो ऊपर जाए, उससे इंक्वायरी आती है, और अगर आपको सैंपल आ जाए फिर आप सैंपल पे ज्यादा तवज्जो दें कि सैंपल अगर आप अच्छा बनाएंगे तो उससे आपको बाइक में मिलने ऑर्डर। ओके, अगर आप सैंपल पे जो पैसे कोई ना भी बचे आपको बाइक में बच जाएंगे, आप मतलब सैंपल पे कंजूस ही ना करें कोई। ओके, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात की है भाई ने कि सैंपल बनाने में कंजूसी ना करें, उस प्रोडक्ट को ईमानदारी से ऑनेस्टी से, इनकी कंपनी का नाम भी ऑनेस्ट इंटरप्राइजेस और इनकी बातें भी ऑनेस्टी वाली हैं, सच्ची बात है, और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हो रही है कि वो कहते हैं कि जब हम सैंपल बनाए तो ईमानदारी से पूरी जिम्मेदारी से बनाए ताकि अच्छी प्रोडक्ट कस्टमर तक जाएगी तो फिर आपको ज़्यादा बड़े ऑर्डर मिल जाते हैं और वो सारी की सारी कसर निकल जाती है, सारे पैसे पूरे हो जाते हैं, ऐसे ही है जी। ओके, वेरी गुड, तो आपने इसके अलावा जो आर एफ की उसके अंदर सिस्टम है उसको भी आप डील करते हो, उसको भी आरएफक्यू आप करते हो? हाँ जी, आरएफक्यू से ज्यादा कस्टमर जो ज्यादा इंक्वायरी रेशियो वगैरह जो बिजनेस की है आरएफक्यू से बहुत ज्यादा काम है। ओके, वेरी गुड, तो आरएफक्यू आप का आप क्या समझते हैं कि आरएफक्यू करने के लिए आपको उस पे कितना टाइम देना पड़ता है, किस टाइम पे करते हैं और कैसे करते हैं, मुझे कुछ थोड़ा सा देखने वालों को नाजरीन को जो कि नए लोग होते हैं उन लोगों के लिए होता है यार ये क्या बड़ा मुश्किल सिस्टम है, इसमें तो काम ही नहीं कर सकते, अच्छा यार पता नहीं क्या होगा, डरते हैं लोग इस बात से, मैं उस बात के लिए चाहता हूँ यार वो कैसे करते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट वगैरह, तो आपने बताई मैंने कर ली, आरएफक्यू कैसे करते हो, कितना टाइम लग जाता है उसमें? नहीं, आरएफक्यू में इतना कोई खास टाइम नहीं लगता, 5 मिनट लग जाए ज्यादा, 5 मिनट अगर मतलब आपने अगर सही भरनी है, बैठना तो पड़ता है 1-2 घंटा बैठना पड़ जाएगा, अगर आपको बिजनेस चाहिए सीरियस बायर ढूंढने के लिए, ओके, अगर आरएफक्यू आप ढूंढेंगे ये सही लग रहा है बायर काम करने वाला है तो आपको पता लग जाएगा, वो बताते हैं अलीबाबा वाले कौन सा सीरियस बायर है, कौन सा फजूल है जो काम नहीं दे सकता, तो उसको ढूंढने के लिए आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपकी किस्मत है आप बैठेंगे आपको कंप्यूटर खोलते साथ ही आपको आरएफक्यू आती है, कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता है, कभी डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे। जैसे कि आपके वाले साहब बता रहे थे कि पहले तो 4-6 महीने तो ऐसे गुजर गए, हमें कोई काम शाम नहीं मिला इतना, लेकिन बाद में फिर हमें जब समझ आ गई तो फिर हमें अच्छे ऑर्डर और कस्टमर भी मिलने शुरू हो गए। तो अब्दुल्ला आपने ऑफ कोर्स आप क्या करते हो, स्टडी करते हो? हाँ जी, स्टडी करते हैं। अच्छा, ये देखें ये भी एक बड़ी अच्छी बात है जी, वो अभी जो है ये अब्दुल्ला साहब स्टडी करते हैं और उसके साथ थोड़ा सा टाइम अपने बिजनेस को दे रहे हैं, अपने वालदैन के अपने वाले साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है, इसमें कहीं किसी ने बाहर नहीं जाना है, इनसाइड घर के अंदर बैठ के, ई कॉमर्स बिजनेस का यही फायदा है कि आपको कहीं नहीं जाना होता, घर में बैठ के आप ऑनलाइन उसको जस्ट अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन करते हैं और कस्टमर के साथ बिजनेस की डील करते हैं, अपने अकाउंट को मेनटेन कर रहे होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे जो कोई भी इसमें आना चाहें उनके लिए बहुत अच्छा इसके अंदर सिस्टम है कि वो स्टडी के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हैं, और ऐसी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं जो कि स्टूडेंट भी हैं और साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला आप क्या सोचते हो इस, ऑफकोर्स आपने एक साल अपने वाले साहब के साथ काम किया है तो अब आप सियालकोट में हैं, तो आपका क्या प्लान है, कब तक फैक्ट्री बनाएंगे फिर इंशाल्लाह, क्या प्लान है, इस साल में कोई अच्छा बिजनेस करेंगे? इंशाल्लाह तौफीक दे तो हम जब मर्जी खोल सकते हैं, जिधर जब अल्लाह ने तौफीक दी इस साल भी खोल सकते हैं, अगले साल खोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ये काम पे डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे और जहाँ पे अल्लाह ने तौफीक दी। वेरी गुड, अच्छा ये बिजनेस ही बहुत अच्छा बिजनेस है जी, देखिए अगर इनको 3-4 कस्टमर मिल गए हैं तो अगले साल में ये अब शुरू किया 3-4 कस्टमर और आएंगे, ये पुराने कस्टमर जो हैं वो भी ऑर्डर देंगे, आगे नए आएंगे वो भी ऑर्डर देंगे, अब इनका वॉल्यूम बड़ा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल के अंदर अल्लाह इन पे और करम करेगा और एक और बिजनेसमैन बनेगा, एक और एंटरप्रेन्योर बनेगा जो कि अपनी फैक्ट्री लगाएगा जिससे कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा,
پاکستان کی کامیابی ایکسپورٹ کے ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان میں ڈالر صرف جو آتے ہیں ایکسپورٹ کے ساتھ، وہ ایک ایسا سورس ہے جس میں کہ میں سمجھتا ہوں ہماری کامیابی ہے. وجہ یہ کہ ایکسپورٹ بڑھے گی تو ملک ترقی کرے گا، ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی ملک ترقی نہیں کرے گا. عبداللہ صاحب آپ کا، آپ کے والد صاحب کا، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس میں اور آسانیاں پیدا کرے، اور آنے والے ٹائم میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اور اچھی محنت کریں گے، ڈیڈیکیشن کریں گے جیسے کہ آپ سب لوگ مل کے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ کا بہت اچھا بزنس ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ آپ جس ٹریک پہ آ گئے ہیں یہ وہ ٹریک ہے جہاں پہ آلریڈی 100 آف پیپل جو وہ کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے، ہمارے لیے، سب کے لیے کامیابی دے، اور انشاءاللہ پھر کسی اور سکسیس سٹوری کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ. اپنے بزنس کو شروع کرنے یا بڑھانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 0334808611. ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے.